बहुत अच्छा मौका मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूनम से मेरा एक अलग ही स्नेह है, प्यार है, लगाव है। जिस दिन से पहली बार हम मुरादाबाद मिले थे उस दिन से आज तक ये रिश्ता हमेशा से आगे बढ़ा ही है। तो इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियाँ पूनम के लिए कहना चाहती हूँ। निकाल के लाई थी कि पता नहीं बोलने का, खूबसूरत एक रिश्ता तेरा मेरा है जिसपे बस खुशियों का पहरा है। नजर ना लगे कभी इस रिश्ते को क्योंकि दुनिया में सबसे प्यारी मेरी बहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजी है, आशीर्वाद भेजा है और कहा है कि बार बार ये दिन आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच जी। अब आप ही बहन जी लास्ट में कर दो, अब मैं बहन जी आप बोलो। मैं यहाँ पर इतने अपने कीमती समय में से आज की फ्लाइट छोड़ करके मेरे लिए यहाँ पर आई हैं। इनको त्रिपुरा जाना था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। मैं इनका बहुत दिल की गहराइयों से सम्मान करती हूँ, बिल्कुल साफ मन से। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इतने कीमती समय में से मेरे लिए समय निकाला। और तमाम जितने भी यहाँ पर मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे जिलाध्यक्ष कांग्रेस के पूर्व और जितने भी हमारे पदाधिकारी सम्मानित, और इस ज्यादा खूबसूरत इस कड़ी को बनाने में हमारे संयुक्त किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय महासचिव भाई शहाबुद्दीन जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मेरे मार्गदर्शक, मेरे पिता तुल्य दिनेश अवाना जी, समस्त टीम का बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आप लोगों ने आकर के उसमें चार चांद लगाए, मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। और आज मैं, मेरी मम्मी है ना, उनके सामने मेरे से कुछ बोला नहीं जाता क्योंकि जब भी मैं कभी कुछ बोलने की कोशिश करती हूँ ना तो एक वो सुन भी नहीं पाती है और मैं बोल भी नहीं पाती हूँ। बस इतना ही कहूंगी उनके लिए कि उनके संघर्ष को दिल से सलाम। और आने वाले समय में अगर मुझे उस परमात्मा ने ऐसा मौका दिया कि जहाँ आज वो बैठी हुई हैं, मुझे अगर मौका मिला तो मैं उनसे बहुत कुछ सीख करके आने वाले समय में अपने बच्चों को, अपने जो मुझसे सीखते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें जो है सिखाने वाली हूँ। मैं बस इतना ही कहूँगी क्योंकि वो सुन नहीं पाएंगी। धन्यवाद मम्मी कि मैं आपकी वजह से यहाँ हूँ, वरना नहीं होती। थैंक यू। अब मैं इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने वाले हम लोगों को सदैव अपना